चाहिए फ्रंट से। लोग ये रहे कुछ हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जा रहा हूँ गाइस यमुनानगर से जौनपुर। जौनपुर तो वैसे मैं किसी काम के पर्पज से जा रहा हूँ, पर सोचा ये रास्ते ये जर्नी की वीडियो भी आप सबके साथ शेयर करता चलूँ, क्योंकि मजा आता है ट्रेन के रास्ते में, तो खासकर जब खिड़की वाली सीट पर बैठे और बारिश पड़ रही हो। पर मेरी सीट ये नहीं है, मेरी सीट ऊपर वाली है जहाँ पर मुझे छत के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। और ये जर्नी बहुत अच्छी है यार, क्योंकि जौनपुर वही जगह है जहाँ पर मिर्जापुर फिल्म की शूटिंग हुई थी, जो मिर्जापुर सीरीज आई थी उसकी शूटिंग हुई थी वहाँ पर। और बहुत ही बढ़िया सिटी है यार जौनपुर, बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ के। बाकी वहाँ जाके आपको पूरा वो लोग दिखाऊंगा जौनपुर का, क्या क्या जगह वहाँ पे सब दिखाऊंगा। तो लेट्स बिगिन, चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। ये अपनी ट्रेन कुछ ऐसी, ऐसी ट्रेन अपनी कुछ। ट्रेन का नंबर है 13308 और ट्रेन का नाम है गंगा सतलुज। 3A लिखा, देखो थर्ड क्लास एसी है, मतलब इसका मतलब ये एसी 3 टीयर लिखा रखा है इसमें। और ये ट्रेन जाएगी धनबाद से, धनबाद से फिरोजपुर चलती है। देखियो ऊपर लिख रखा है धनबाद से फिरोजपुर, पर मैं जा रहा हूँ यमुनानगर से धनबाद, मतलब सॉरी जौनपुर जा रहा हूँ यमुनानगर से। और इसका लास्ट स्टेशन वहां का है। चलो चलो चलो, होगी स्टार्ट, चलो चलो अभी स्टार्ट। दोस्तों शाम होने लग रही है और अंधेरा भी होने वाला, पर अभी ट्रेन में यहाँ भाई कम से कम 900-950 किलोमीटर था, पूरा एक दिन लगेगा। शाम हो गया, देखो बाहर का नजारा कैसा हो गया, और अब धीरे धीरे रात हो जाएगी, आपको रात में कोई नजर भी नहीं आने वाला। पर फिर भी बहुत अच्छी जर्नी है यार, आप भी एक बार जरूर ट्राई करना लंबी ट्रेन की। पर अकेला हूँ मैं, तो 30 AC का डब्बा है ना, बहुत बढ़िया है भाई, भी दोनों बहुत काम करने वाले, बहुत अच्छे हैं। हाय कर दे एक बार फिर से, इनसे जरूर मिलना। ये देखिए बाहर का व्यू शाम का, अंधेरा होने लग रहा, बस करीब टाइम हो गया 5:30 बज गए हैं। अभी कोई सतपुर के नाम से स्टेशन आया था, जौनपुर तो अभी बहुत दूर है गाइस, बहुत दूर। अभी मैं रात को 12-1 बजे पहुंचूंगा जौनपुर, फिर होटल ढूंढना वहां जाके बहुत प्रॉब्लम। हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग? सब ठीक है। ये बिहार से भाई ने मेरे व्लॉग देखे थे। गाइस इससे बढ़िया यहाँ पे ठंड लग रही है, इससे बढ़िया अंदर ही जाके बैठ जाते हम, डब्बा खा ली है। दोस्तों पर 3rd AC का जो अरेंजमेंट है ना, बहुत बढ़िया है। ये देखिए ये भी चीज़ होती है, पूरा हिल रहा होता है, देखोगा आपने बचपन में भी। मैं तो अंदर ही जाके बैठ रहा हूँ। देखिए गाइस ऊपर थी मेरी सीट, पर यहाँ बैठ के भी अच्छा लग रहा है, पर मैं तो यहाँ बैठूंगा सामने खिड़की वाली सीट में, मज़ा आएगा, बाहर का व्यू भी देखता रहूँगा। तो वहीं जाके बैठते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। रास्ता में सारे जंगल जंगल है दिखाने लायक, कुछ है नहीं स्पेशल। ट्रेन थी दिखाने लायक, जिसका अरेंजमेंट दिखाता हूँ मैं ट्रेन का आपको पहले। देखिए एक तो यहाँ पर बैठ के आप खाना वगैरह खा सकते हो, और ये चार्जिंग पॉइंट आपको प्रॉपर मिले हैं यहाँ पर। और ये हुक है कुछ लटकाने का, और ये शीशा लग रहा है, और ये भी हुक है, और ये कुछ रेलवे संबंधी सहायता के लिए आप इसको कर सकते हो। और कोच में सफाई नहीं है, पानी की कमी है, तो आप इसको कर सकते हो। चार्जिंग पॉइंट पूरे हैं, और ये रखने का भी है, देख लिए, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है भाई 3rd AC का। दोस्तों ये मंगाए हैं, चाय ऑर्डर की थी, भी चाय देके गया भैया, और बिस्कुट और नमकीन खाऊंगा। अभी लखनऊ से आगे हैं हम, और बस अभी ये खाता हूँ चाय और नमकीन बिस्कुट खा लेता हूँ, अकेला बैठा हूँ। देखो खाली होगी सारी सीटें, खाते हैं देखते हैं कैसे, फिर मिलते हैं आगे जाके आपसे। अभी लखनऊ से आगे हूँ फिलहाल, फिर देखते हैं। वंदे भारत ट्रेन दोस्तों, यह है वंदे भारत ट्रेन, देखिए।
भारत की सबसे फास्ट ट्रेन। और ये हमें दिखी है यमुनानगर से जौनपुर जाते हुए। ये देखिए फ्रंट से, देखिए बढ़िया। और ये हमें दिखी है लखनऊ में, ये देखिए, ये फास्टेस्ट ट्रेन और इंडिया की सबसे फास्ट ट्रेन है जो बहुत तेज चलती है। तो दोस्तों लखनऊ आ गया, लखनऊ का स्टेशन आ गया, ये देखिए स्टेशन लखनऊ का। ओ भाई साहब कितनी भीड़ चढ़ी है यहाँ से। देखिए भाई साहब कितनी तगड़ी भीड़ है लखनऊ के स्टेशन पे। और यहाँ मैं रुका था, ये ऊपर वाली मेरी सीट थी, पर मैंने यहाँ कब्जा रखी है, मतलब किसी की, वो है नहीं यहाँ पे, अभी आगे गए हैं, तो उन्होंने कहा तू बैठ जा। अभी यहाँ पे भीड़ चढ़ी, ये देखिए यहाँ से, यहाँ धोने का वाइस स्टेशन था और ये दरवाजा यहाँ का। और ये डस्टबिन है, इसमें डस्टबिन ये आगू रख सकती है, पर आपको बाथरूम दिखाता हूँ। देखिए यहाँ का बाथरूम, ये थर्ड क्लास एसी की मैंने ट्रेन बुक कराई है, टिकट बुक कराई है, तो ये उसका बाथरूम है। ये शीशा लग रहा सामने, साफ है वैसे, गंदा नहीं है, काफी साफ है। ये पूरा बाथरूम वगैरह कर दूं, उधर क्या है, उधर भी बाथरूम है। देखिए बाहर कर दूं, हवा चल रही है बहुत है, ठंडी ठंडी। ये कंट्रोल है ट्रेन में, यहाँ से कंट्रोल होती है ट्रेन। प्राइस बहुत बढ़िया सिस्टम है और ट्रेन भी बेकार नहीं, बहुत अच्छी ट्रेन है, मतलब थर्ड क्लास एसी में, तो सेकंड और थर्ड क्लास एसी की कैसी साफ सफाई होगी। यहाँ पे बहुत साफ सफाई थी, अंदर में गया था ना 4 बजे, तो बहुत साफ सफाई थी, ब्लैंकेट तकिया और कंबल मुझे अपनी सीट पर रखे हुए मिले थे भाई साहब, मजा आ गया था। पर खैर यमुनानगर से तो लेट ही चली बहुत ही है, 11 बजे की ट्रेन थी और 4 बजे ट्रेन चली है, मान लो मैं 11 बजे तैयार होकर बैठा रहा, 4 बजे चली है। भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप? मैं गया जा रहा हूँ। गया जी जा रहे हो? गया जी। ट्रेन कैसी लग रही है आपको? बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रही है। थर्ड क्लास एसी है? थर्ड क्लास एसी है। आपने कैसे बुक कराई थी? क्या कैसे बुक कराई थी? मैं कराई थी गया से, मैं कराई थी बुक ऑनलाइन। कितने रुपए में पड़ी आपको? मेरी पड़ गई 2600। 2600 आना जाना दोनों? नहीं, जाना का 2600। तो गाइस रात हो गई है, देखिए रात का सीन, लाइट जल गई है, लाइट जला दी है, लाइट जल गई है, देखिए यहाँ पे नीचे से लाइट जलाई है, और रात का टाइम हो रहा है, और मेरी ट्रेन देखिए कितनी लेट आई है। ये वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप है, अभी मेरी ट्रेन देखिए अयोध्या में, अयोध्या कैंट से भी पार हुई है, अयोध्या नरेंद्र आचार्य नरेंद्र देवनगर, अयोध्या कैंट से पार हो गया आचार्य नरेंद्र देवनगर में, इस टाइम ट्रेन है और मुझे जाना जौनपुर, और जौनपुर देखिए कितना लेट है। यह है जौनपुर जंक्शन और ये जाएगी 11:10 पे। भाई साहब बहुत लेट हो रही है ट्रेन, अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पे लेटा हूँ आराम से, तकिया मिला हुआ है, कंबल मिला हुआ है, आराम से लेटा हूँ। 10:30 दिखा रही है, वैसे तो 11 या 12 तो बज ही जाएंगे पहुँचने में, बाकी देखते हैं कब पहुँचते हैं, अभी तो फिलहाल लेटे में आँख ना लगते, बस मेरी मुझे इस बात का डर है, अकेला हूँ, कोई उठाने वाला भी नहीं है।
अगर आँख लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, कम से कम 11-12 एक तो बज ही जाएंगे। अकेले को उठा देंगे हम, बाकी तुम्हारे फ्रेंड उठा लूंगा। ये उठाने के लिए आया मुझे, मैं उठा लूंगा। ये उठा देंगे भाई मुझे, अगर मैं सो गया तो अलार्म लगा लिया, वैसे सो नहीं रहा मैं, उठ के बैठा हूँ। 12-1 तो बज ही जाएंगे, बाकी देखते कब मिलते हैं। भाई साहब जौनपुर जंक्शन बहुत दूर है, यमुनानगर से तो पूरा 1,950 किलोमीटर बन रहा है। और देखिए मैं सुबह 4 बजे बैठा था और 12 तो बजी जाएंगे, सब कह रहे हैं 12-1 तो बजी जाएंगे भाई। फिर वहाँ जाके होटल भी लेना है, फिर वहाँ स्टे भी करना है, क्योंकि वहाँ कोई जानकार थोड़ी है भाई, बहुत दिक्कत है। बाकी चलो चलता रहता है, मिलते हैं बाद में, अभी थोड़ी देर लेट जाता हूँ वहाँ के बंद करके। बाकी यहाँ का अरेंजमेंट देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, थर्ड एसी का, थर्ड एसी भी कम नहीं है भाई साहब। अब स्लीपर बंद हो रहा है, अब एसी ही चलेगा, ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है कि सरकार ऐसा कर रही है। लाइटिंग देखिए कितनी बढ़िया है यार, कितना बढ़िया अरेंजमेंट है। चोरी वगैरह कोई डर नहीं है यहाँ पे, चोरी वगैरह का यहाँ आते जाते रहते हैं। प्राइवेट सरकार ने प्राइवेट लोग भी लगा दिए यहाँ पे, प्राइवेट लोग भी आते जाते रह रहे हैं, आते जाते रह रहे हैं, तो कोई डर नहीं है। और ये एसी आपको दिखाई दिया था मैंने दिन में, एसी से हवा आ रही है, फुल ठंडी हवा आ रही है भाई साहब, फुल ठंडी हवा आ रही है एसी से। तो ये है ब्लैंकेट वगैरह जो भी मिलता है, तकिया भी मिला हुआ है मुझे, तकिया है पूरा, और ये मेरा बैग वगैरह है। सो मिलते हैं आपातकाल में, खींचने के लिए चैन भी है इसमें, और बाकी लोग ये रहे कुछ। बाकी टॉयलेट वगैरह भी मैंने आपको दिखा दिया था। सो मिलते हैं गाइस बाद में। सो गाइस आ गया मेरा स्टेशन, यहाँ ऊपर मैं सोया हुआ था, और ये रहा मेरा बैग, इसको उठा लेता हूँ मैं, सारा सामान मैंने रख दिया। तो उठा के बैग को मैंने उठा लिया यहाँ से, कुछ रहा तो नहीं क्या, तो बैग मैंने उठा लिया, अब चलते हैं स्टेशन के तरफ, अपना स्टेशन। सो गाइस आ गया अपना स्टेशन जौनपुर, अभी रात के 12 बज गए, पूरे 12 बज रहे हैं, 12 बजे में पहुंचा, सुबह 4 बजे का बैठा हुआ, पूरा दिन से लगी क्या, पूरा दिन भी यार। अब जौनपुर आ गया, अब उतरता हूँ जौनपुर स्टेशन पे, फिर होटल वगैरह लेता हूँ, फिर जाऊँगा जहाँ जाना है यार, जो जिस काम से आता वो काम करता हूँ। बाकी आपको जौनपुर का ट्रैवल ब्लॉग भी मिलेगा, जो जौनपुर का ट्रैवल जो जगह है उसको मैं एक्सप्लोर करूँगा अपने वीडियोस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी स्टेशन दिखाता हूँ पहले आपको जौनपुर का कैसा है, बस रुकने वाली ट्रेन अभी थोड़ी देर रखी है, अब देखो उधर की साइड रुकेगी, इधर की साइड रुकेगी। और ठंड इतनी हो रही है ना कि अंदर मैंने टी शर्ट डाल लिया एक, इसके बाद भी ठंड नहीं रुक रही गाइस, बहुत ठंड है। अब देखते हैं, अभी सुनसान पड़ा, देखो खाली मैं ही हूँ, डर भी लग रहा है यार, कोई भी नहीं है, सब सोए हुए हैं अंदर, आराम से मस्ती में सोए हुए हैं। तो अभी रुकने लग रही है बस धीरे, थोड़ी सी इधर की साइड रुकेगी शायद, तो उतर के मिलता हूँ आपसे। Wow.